मैं कम इन सर। आइए। नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते, बैठिए। थैंक यू सर। अभी आप बीकानेर हैं? जी सर। अच्छा, और आप तो हेडमास्टर हैं। जी सर। आपने BMA बीकानेर महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय से हिंदी गृह विज्ञान राजनीति विज्ञान किया था, जी सर। और फिर MA में आपने राजनीति विज्ञान से किया था। सर सब्जेक्ट थोड़े उल्टे लिख दिए मैंने। अभी आपने बोले वो 12th के थे और ऊपर वाले ग्रेजुएशन के हैं। ठीक है। ओके, जी सर। आपने सीनियर में किया था ये तो, जी और सर। समाजशास्त्र था, लोक प्रशासन था BMA। जी सर। ओके ओके। एज ए SDM, जी सर। जैसे ही आपका RS का रिजल्ट आता है जी सर। और आप RS बन जाती हो, SDM बन जाती हो, जी सर। सबसे पहले फोन किसको करोगी? सबसे पहले सर मैं अपने पापा को करूंगी। पापा को। जी सर। तो ये आपके सपने के साथ में पापा ने सपना जी सर। तय कर लिया। जी सर। मम्मी क्या कहती है? मम्मी भी साथ है। पूरा परिवार साथ पूरा है सर। परिवार जी साथ है। सर। चलिए, फिर आपकी ट्रेनिंग होती है, तो वो पांच काम बताओ जी सर। जो आप अपने फील्ड में करोगे। जी सर। सर सबसे पहले तो मैं जैसे ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर महिला शिक्षा को बढ़ावा दूंगी। वेरी गुड। दूसरा सर जो बालिकाएं ड्रॉप आउट है उनको जागरूक करके स्कूलों से ज़्यादा जोड़ूंगी। और तीसरा सर जैसे शहरी क्षेत्र के अंदर जो देखते हैं मेन मार्केट होता है वहाँ पे महिला शौचालय है वो नहीं होते हैं तो उसकी भी व्यवस्था वेरी करूँगी। गुड, बहुत बढ़िया। और चौथा सर जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की समस्या होती है तो वहाँ जल संरक्षण के लिए और लोगों को अवेयर करके जो जल संरक्षण की विधियाँ हैं उनके बारे में जागरूक करूँगी। ज्यादातर आपका झुकाव महिलाओं के प्रति रहेगा। नहीं सर वैसे तो सबके लिए होगा पर आपने जो अच्छा अच्छा 5 पूछे उसमें से। ओके ओके। स्कूलों में क्या कमी देखती हो? जी सर। जैसे सर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में देखें तो स्कूलों में कमरों की जो संख्या होती है वो एज ए क्लास उतनी नहीं होती है और कहीं कहीं पे जो बालिकाओं के लिए पृथक से शौचालय हैं वो भी नहीं होते हैं। और सर एजुकेशन में देखें तो शिक्षकों की कमी भी देखी जाती है। और दूसरा सर ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे बच्चों का ठहराव है वो नहीं हो पाता है उतना। जैसे अगर बारिश का मौसम और हो गया बरसात के तो खेतों के अंदर जैसे बच्चों को स्कूल है जो पेरेंट्स नहीं चलिए, भेज पाते। करणी माता के बारे में तो आप जानती हो, जी सर। ये तो मुझे पता है। जी सर। आप ये बताइए कि मीरा जी जो है, जी सर। मीरा ने जो प्याला पिया था, जी कहते हैं कि सर। जहर का प्याला था और वो अमृत बदल गया, जी इसके सर। बारे में आप क्या कहना चाहती हो? सर इसके बारे में तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी उनके जो ईश्वर के प्रति भक्ति थी वो मतलब उनकी वो उसका परिणाम उन्हें भी वो सकारात्मक मिला था। हाँ, तो ये सच है कि प्याला में तो जहर था और ईश्वर की शक्ति इतनी थी उनके अंदर कि वो जहर अमृत बन गया। जी सर। इसके बाद में कोई और उदाहरण अभी तक ऐसे मीरा के बाद में? सॉरी सर अभी मुझे भाई, ये याद तो सच है कि मीरा ने जो किया है वो सच है, नहीं। इसके बाद में कोई और ऐसा उदाहरण आए? सर अभी मैं याद नहीं कर पा रही। ओके ठीक है। हाँ जी, थैंक यू सर। विमला, जी सर। बिश्नोई संप्रदाय के जो अपने संत हैं जी सर। जाम्बो जी, जी सर। यदि आज वर्तमान में होते जी सर। तो पर्यावरण के अपन उनको बेस्ट आदर्श, ब्रांड एम्बेसडर कह सकते हैं जिसको, जी सर। वो होते। जी सर। उन्होंने ऐसा क्या काम किया, ऐसी कौन सी प्रेरणा दी कि आज पूरा एक समाज ही नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान जी सर। उनको बड़े आदर्श व्यक्तित्व के रूप में देखता, क्या उनका योगदान रहा है? जी सर। सर जैसे कि उन्होंने 500 साल पहले ही पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक किया था और सर उन्होंने पहले भी ऐसी उम्मीद ऐसी मतलब भविष्यवाणी कर दी थी कि अगर लोग पर्यावरण की रक्षा नहीं करेंगे तो प्रकृति है वो भी उनका साथ नहीं देंगे। और एक सर इसके लिए उन्होंने जो हवन होता है उसका भी मार्ग सुझाया था कि इससे जो पर्यावरण होता है वो शुद्ध होता है। और संत जाम्बो जी की कोई रचना ऐसी जो आज भी प्रासंगिक है पढ़ने में जी लिए? सर 29 नियम हैं उनके जो आज भी प्रासंगिक है और उनमें भी पर्यावरण संरक्षण के वन्य और जीव रचनाएं कौन संरक्षण सी है उनकी? सर 120 शब्द वाणी है। हाँ, जी उनका क्या सर। नाम है? पूरे को कलेक्ट किया गया है तो उस बुक्स का नाम क्या है? शब्द वाणी कहते हैं और क्या।
जंबवाणी कहते हैं उनको। हाँ सर बोलते हैं। और तो सर अभी याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा है आपको। जैसा कि बीकानेर के बारे में अपन बात करें तो वहाँ का जो राजनीतिक परिदृश्य रहा पहले और अभी वर्तमान का देखें तो एक अलग प्रकार की वो रहती है। बीकानेर का जो किला है जिसको आप जूनागढ़ का किला भी बोलते हैं, और क्यों उसको जूनागढ़ क्यों कहते हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है? जी सर, सर इसको जूनागढ़ कहने का रीज़न, जूना यानी कि पुराना, ये एक पुराने किले को तोड़ के और इसका निर्माण करवाया गया था, इसलिए इसे जूनागढ़। अभी कोई आयोग ऐसा था जो सामान्य आयोग था उसको संवैधानिक आयोग बनाया गया? सॉरी सर भी आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में जानते हैं? जी सर। ये महिलाओं से संबंधित, ठीक है, संविधान में कम से कम दो उल्लेख बताइए जहाँ पे विशेष प्रयोजन किए गए हैं, विशेष उल्लेख किया गया है। जी सर, एक तो अनुच्छेद 42 के अंदर प्रसूति अवकाश का है और दूसरा 39 के अंदर समान कार्य के लिए समान वेतन है। समान कार्य के लिए समान वेतन, समान वेतन। जी सर, अभी राष्ट्रीय महिला आयोग जो है जब कोई मैटर होता है तो विशेष संज्ञान लेता है, ठीक है, तो इसके पास क्या कोई ऐसी पावर होती है, ऑथेंटिक पावर होती है कि खुद निर्णय ले या सरकार को सिफारिश करता है कि हाँ इस पर इस प्रकार की कार्रवाई की जानी चाहिए? सर वो खुद भी जांच करके और निर्णय लेते हैं जहाँ तक। आपका पॉलिटिकल साइंस रहा है तो पूरे हमारे जो संविधान है उसमें सबसे अच्छा भाग आपको कौन सा लगता है संविधान का? सर वैसे तो सारा ही अच्छा है, और मूल अधिकार, मूल कर्तव्य। मूल अधिकार और मूल कर्तव्य। जी सर। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं हमारे संविधान में? अमेरिका से लिए गए। अमेरिका से लिए। जी सर। विमला जी। जी मैम। आप बीकानेर से हैं। जी। अभी आपने 29 नियमों की बात की और बोला कि प्रेजेंट टाइम में भी वो रिलेवेंट है एनवायरनमेंट के बेस पे। बिश्नोई संप्रदाय में नीला रंग नहीं पहना जाता। जी मैम। ये कैसे रिलेवेंट है प्रेजेंट टाइम के लिए, आई एम आस्किंग दिस, और इसके पीछे क्या कारण था? जो नीला रंग बिश्नोई संप्रदाय के लिए निषेध किया गया है, अभी तो मैम वैसे पहनने लग गए हैं लोग। नहीं, आप मुझे कारण बता सकती हैं कि वो क्यों दिया गया था, कैसे एनवायरनमेंट से रिलेटेड था? दिस आई एम आस्किंग टू यू। सॉरी मैम, कारण पता नहीं। ओके, चलिए कोई बात नहीं। आप वृद्ध लोगों के लिए क्या करना चाहेंगी अगर आप प्रशासनिक सेवा में आ जाती हैं? जी मैम, सबसे पहले तो मैम जैसे वृद्धाश्रम की जहाँ पे आवश्यकता है वहाँ पे वृद्धाश्रम खुलवाऊंगी, और दूसरा मैम जैसे कहीं पे जाते हैं हॉस्पिटल में या रेलवे स्टेशन पे कहीं पे भी, तो उनके लिए अलग से सुविधा होनी चाहिए, पंक्ति होनी चाहिए। हॉस्पिटल में अगर जाए तो उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए मैम। प्रेजेंट जो टाइम है उसमें मॉरल वैल्यूज कम होती जा रही है। जी मैम। क्या कारण मानती हैं आप इसका? मैम पश्चिमीकरण इसका एक कारण मान सकते हैं। कैसे, मतलब हम सिर्फ वो तो नहीं बोल सकते? शहरीकरण मान सकते हैं मैम, जैसे संयुक्त परिवार खत्म हो रहे हैं, एकल परिवार की ओर हम लोग आ रहे हैं, तो ये भी इसका एक कारण है मैम। तो क्या हमें पुनः स्थापना नहीं करनी चाहिए संयुक्त परिवारों की? जी मैम, कोशिश कर सकते हैं। कोशिश कर सकते हैं। जी मैम। चलिए, आप मैरिड हैं? जी मैम। ओके, दैट्स रियली गुड। कैसे बैलेंस बिठाएंगी अपने वर्क प्लेस पर, और क्योंकि प्रेजेंटली तो आपकी जॉब बहुत कम टाइम वाली होगी, पर्टिकुलर टाइम वाली होगी जिसमें आप कुछ घंटे सर्व करते हैं एंड देन यू विल गो बैक टू होम, बट अभी जब आप इसमें आ जाएंगी, मान लीजिए आप SDM बन जाती हैं या RPS बन जाती हैं, तो उस टाइम आपके पास जिम्मेदारियां और जॉब 24/7 की होगी। किस प्रकार आप अपने परिवार और अपने वर्क प्लेस पर सामंजस्य बिठाते हुए एक अच्छी अधिकारी साबित होंगी? जी मैम, जैसे कि मैं अभी सिंगल पेरेंट हूँ और मेरी फैमिली मेरा पूरा सहयोग करते हैं, और यही कारण है कि मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ। इसी तरह आप आगे भी करती रहेंगी, ठीक है। तो आपसे मेरा एक लास्ट प्रश्न, क्या महिला जब अधिक समय अपनी नौकरी को देती है तो उसके जो संतान है, उसका जो बच्चा है, उस पर किसी प्रकार का नेगेटिव इम्पैक्ट आता है? क्या वो एथिक्स और मॉरल्स को उस तरीके से नहीं अपने अंदर एनगल्फ कर पाता जिस तरीके से एक फुल टाइम घर में रहने वाली महिला के बच्चे का होता है?
मैम पूर्णते तो ऐसे नहीं बोल सकते क्योंकि जॉब में रहते हुए भी हम बच्चों को टाइम दे सकते हैं, लेकिन मैम कई बार ऐसा भी होता है कि हम उनके लिए टाइम नहीं निकाल सकते, तो इसके लिए अगर हम संयुक्त परिवार में रहते हैं तो वो कमी भी कहीं ना कहीं पूर्ण हो जाती है। वेरी गुड, थैंक यू। थैंक यू मैम। ओके, आपकी हॉबी है मेहंदी लगाना? जी सर। और घूमर डांस? जी सर। तो राजस्थान में सबसे अच्छी मेहंदी कहाँ की है? सोजत पाली की है सर। क्या खास विशेषता है सोजत पाली की मेहंदी की? सर इसकी विशेषता वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति है, वहाँ की जो मिट्टी है उसके अंदर एक विशेष प्रकार का पदार्थ पाया जाता है लासोन नाम का, और इसमें सर तांबे की मात्रा भी 3% होती है, इसीलिए सर। तो क्या राजस्थान, संपूर्ण राजस्थान में जो मेहंदी लगाती है महिलाएं, जी सर, उसकी पूर्ति राजस्थान से ही हो जाती है, बाहर से भी हम मंगाते हैं? सर इसका कंफर्म तो मुझे नहीं पता है, बट शायद हो जाती है। घूमर डांस आप कब करती हैं? सर अभी तो मैं जैसे घर पे कर लेती हूँ, स्कूल में कभी बच्चियाँ मेरे को कहती है कोई प्रोग्राम में और करने के लिए, तो छोटे मोटे प्रोग्राम में भी कर लेती हूँ। विशेषकर घूमर डांस कब किया जाता है? विशेषकर जैसे कोई राजकीय पर्व होते 15 अगस्त 26 जनवरी, शादी के टाइम में, या घर में कोई भी खुशी का अवसर हो, जब किसी बच्चे का जन्म हो, किसी का बर्थडे हो। लास्ट सवाल, घूमर डांस को सभी डांसों का सिरमौर कहा जाता है, जी सर, क्यों, क्या है इसकी खास बात? सर एक तो ये राजस्थान का लोक नृत्य है, दूसरा सर इसमें एक पारंपरिक वेशभूषा पहनी जाती है और जिसमें सर एक पारदर्शी घूंघट भी रखा जाता है, बस इतना याद आ रहा है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। बिमला जी सर, आप एक तो तरक्कीवान महिला है, आपकी तरक्की हो रही है लगातार, प्रगति चल रही है, ये तो हो गया इंटरव्यू का सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट, ठीक है ना। एक आपके प्रति बोर्ड का व्यवहार पॉजिटिव रहेगा क्योंकि आप टीचर हैं और हेडमास्टर और है, ठीक है, तो प्रशासनिक सवालों की गुंजाइश बनती है जैसे साहब ने किए थे। आपका एक तो आत्मविश्वास बहुत अच्छा है, ठीक है ना, खुश मिजाज चेहरा है, मुस्कुराहट है। एक आप सॉरी जो बोलते हो बहुत अच्छा बोलती हो, ये सॉरी बिल्कुल ऐसे कैसे रहनी चाहिए लौकिक, ठीक है ना, इसमें जैसे ही आपने सॉरी बोलती हो तो ऐसा आपके चेहरे पे दबाव नहीं आता, ये बहुत अच्छी बात है। नहीं लगता। ठीक, थैंक यू। थैंक यू सर। महारानी कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन किया है? जी सर। और आरयू से आपने मैथ्स में पीजी किया है? जी सर। आप अभी टीचर हैं? जी सर। कौन सी ग्रेड में हैं? सर व्याख्याता हूँ मैं सर। किस सब्जेक्ट में? सर मैथ्स। मैथ्स में हैं, स्कूल व्याख्याता हैं? जी सर। अच्छी पोस्ट है आपकी तो? जी सर। और बड़ी गरिमापूर्ण पोस्ट है शिक्षक की तो, और वो भी फर्स्ट ग्रेड टीचर है आप? जी सर। तो फिर उससे ऐसा क्या मोह भंग हो गया कि आप उसको छोड़ना चाह रही है? सर मोह भंग नहीं हुआ है, लेकिन सर मेरे को लगता है कि जो प्रशासनिक जो सेवाएं हैं तो वहाँ पे मुझे एक अच्छा बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा कार्य करने का। यही सोच बाकी और की भी रही तो शिक्षक कहाँ से मिलेंगे अच्छे वाले शिक्षक? नहीं सर ऐसा नहीं है। फिर अच्छे प्रशासनिक अधिकारी भी सर जो इसी तरीके से निकलते हैं सर। अच्छा, कब सोचा था कि आपको आरएएस में जाना है? सर जब मैंने बीएससी की थी उसके बाद में सर ऐसा एक हुआ कि इंसिडेंट जैसे मेरे गांव वगैरह में एसडीएम वगैरह आए थे, वहां पे सर एक एसिड अटैक जैसी घटना हुई थी, तो उसके बाद में सर मेरे को लगा कि मुझे भी। आपको लगा कि वो थोड़ा रौब धौब वाला जॉब है? नहीं सर, मुझे लगा कि वो इस क्षेत्र में मतलब ज्यादा कार्य कर पाते हैं तुलनात्मक रूप से एक शिक्षक के। तो आपके दिमाग में क्या रोड मैप है कि आप इस जॉब में आएंगे? जी सर। तो प्राथमिकता के साथ में भी ये काम करेंगे? सर जैसे महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए, इनके लिए शिक्षा के लिए, इस क्षेत्र में सर मैं प्राथमिकता से कार्य करना चाहूंगा। अच्छा, क्या है मतलब उनके लिए क्या काम करोगे ऐसा? सर जैसे मैं महिलाओं के लिए अगर मैं देखती हूँ तो जो सुरक्षा है, आत्मरक्षा है, उसमें वो सक्षम हो, आर्थिक रूप से वो सक्षम हो। क्या एसडीएम के पास में इस प्रकार की पावर है कि वो इस प्रकार के काम कर सकेगा? सर जैसे कि मैं देखती हूँ कि जैसे अभी मैं जैसे स्कूल विभाग में हूँ, तो मैं सोचती हूँ अगर जैसे
उपखंड स्तर पर हम इस तरीके से कार्य करें कि जैसे जो बच्चे जो महिलाएं हैं और बालिकाएं हैं उनको सबको हम जैसे उपखंड स्तर पर कुछ ऐसी ट्रेनिंग दें जिससे वो आर्थिक रूप से सक्षम हो सके, या कुछ इस तरीके के कार्य किए जा सकते हैं सर बड़े लेवल पे। अगर उपखंड स्तर पे करेंगे तो एक बड़ा क्षेत्र उससे प्रभावित होता है। एक शिक्षक चाहे वो राजनीति में जाए चाहे किसी प्रशासनिक सेवा में जाए उसकी सफलता की संभावना कुछ ज़्यादा है, ऐसी क्या खास बात होती है उसमें? सर मैं जितना मैंने जो इस फील्ड में कार्य किया है तो सर उस समझ से मैं बता सकती हूँ कि जो शिक्षक होते हैं सर उनमें जो गुण विकसित हो जाते हैं जैसे कि एक अच्छे श्रोता के रूप में उनका विकास होता है, क्योंकि बच्चों की समस्याएं साथ में अभिभावकों की समस्याएं सुनना, तो एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल और एक अच्छे श्रोता के रूप में वो उभर के आते हैं। साथ ही में सर टीम वर्क के साथ कार्य करना, सभी जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनके साथ कार्यों को किस तरीके से मैनेज करना है और बच्चों को किस तरीके से जैसे नामांकन बढ़ाने का कार्य, गैर शैक्षणिक कार्य भी होते हैं, टीचिंग वाले कार्य, मतलब आप उनकी जनता की आम आदमी की जो साइकोलॉजी उसको समझ करके आप सामने वाले से बात करते हैं या उसका निर्णय लेते हैं? हाँ सर। अच्छा ठीक। आपने मैथमेटिक्स में पीजी किया हुआ है? जी सर। आप हमें बता सकती हैं कि अंकगणित क्या होता है और बीज गणित क्या होता है? सर अंकगणित मुख्यतः जो 1, 2, 3 संख्याएं जो होती है उन पे बेस जो गणित होती है जिसमें कि जैसे लाभ हानि निकालना, उससे प्रतिशतता निकालना, ये सारी जो चीज़ें हैं वो अंकगणित में आती है। इसके अलावा सर जो बीज गणित है उसमें जैसे हाँ एक्स वाई वाली जो चीज़ें आती है जिसमें कि मुख्यतः सर इसको हम इससे जोड़ सकते हैं कि एलजेब्रिक फंक्शंस जैसे जितनी भी जो समीकरण एलजेब्रिक जो फंक्शंस होते हैं उनका डेली यूजेस कुछ आप बता सकती हैं जहाँ पे आप डे टू डे के वर्क में अपना यूज आता हूँ? सर जैसे कि कोई भी दो संख्याओं का मान निकालना है तो उसमें जैसे दो इक्वेशन बनाते हैं तो सर एक्स वाई वाली फॉर्म में करके। आप वेरिएबल और इनवेरिएबल के फॉर्म में हमें इसे बता सकती हैं क्या थोड़ा सा चीज़? जी सर। कैसे? जैसे कि एक्स जो बीजगणित है उसमें मुख्यतः चर का यूज होता है जिसको हम कहते हैं वेरिएबल, और सर जो अंक गणित है उसमें अचर का यूज होता है। अचर का यूज होता है। अच्छा, ये बेसिकली देखा गया कि 10th लेवल तक बेसिकली जो अरिथमेटिक है उसका यूज होता है, बट उसके बाद हायर क्लासेस में अरिथमेटिक नहीं पढ़ाई जाती, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? सर अरिथमेटिक जो है वो मुख्यतः सामान्य जीवन से जुड़ा हुआ ज्यादा है। अच्छा। और 10th तक की जो शिक्षा जो है सर मैं मुख्यतः देखती हूँ कि जो दैनिक जीवन में उपयोग की जो चीजें हैं जनरल जो चीजें हैं वो 10th तक की शिक्षा में ज्यादा रहती है। फिर उसके बाद में सर जो अगर हम हायर एजुकेशन पे जाते हैं तो वहाँ पे स्पेशलाइजेशन कर दिया जाता है। कोई अगर आपके घर के आसपास टेम्पल हो, ठीक है, तो उसकी जो शैडो है जो छाया है वो कब जमीन पे नहीं पड़ेगी, इसको आप कैसे निकालेंगे? सर जब जो सूरज है वो 90 डिग्री एंगल पे अगर उससे रहता है मतलब, और उस टेम्पल की छाया कहाँ तक जाएगी जमीन पे, इसे कैसे आप निकाल सकती हैं? सर जब वो हम ये देखते हैं कि लगभग 45 डिग्री एंगल पे जब सूर्य हो टेम्पल से तो वो मैक्सिमम दूरी तक उसकी मैक्सिमम दूरी तक। एक और माना जाता है जैसे प्रक्षेप, जानती है प्रक्षेप, आपने सुना है कोई चीज फेंकी जाती है या जैसे भाला थ्रो वगैरह किया जाता है तो बोला जाता है कि आप 45 डिग्री एंगल पे फेंका जाता है, क्या रीजन होता है कि 45 डिग्री एंगल पे जो उसका अधिक दूर तक या परास होता है वो सबसे ज्यादा होता है? सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही इसका। सर कोई बात नहीं, ठीक। नीमा जी, जी आप एक महिला हैं और महिलाओं के लिए ही काम करना चाहते हैं? जी मैम। शिक्षा के क्षेत्र में और सुरक्षा के क्षेत्र में? जी मैम। आपको क्या लगता है इसके अलावा किस क्षेत्र में और कार्य किया जाना चाहिए कि महिला सही मायने में सशक्त हो पाए? मैम एक तो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर वो हो, मैं मेरा ये मानना है कि आर्थिक रूप से जब महिला आत्मनिर्भर होती है तो वो ज़्यादा सशक्त हो पाती है, साथ में स्वयं की सुरक्षा और स्वयं के अधिकारों के प्रति उसमें जागरूकता होना ये ज़्यादा जरूरी। आपको SDM बना दिया जाए तो उस क्षेत्र की महिलाओं के लिए आप क्या करना चाहेंगी जिससे कि वो अपने जो अधिकार हैं उनके प्रति जागरूक? मैम जैसे कि आंगनवाड़ी क्षेत्र के जो कार्यकर्ता है, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं
उनका इसमें हम अच्छा यूज कर सकते हैं कि उनके माध्यम से, क्योंकि वो महिलाओं से ज़्यादा सर टच में रहते हैं उस ग्रामीण क्षेत्र की, तो उनके माध्यम से कभी कभी सेमिनार लगाए जाए, जैसे कि जितने भी कानून महिलाओं से संबंधित बने हुए हैं उनके बारे में बताया जाए, साथ ही में उन्हीं के माध्यम से हम उनको जो कौशल विकास से संबंधित है। चलिए, अभी कोविड आके गया है जी, हम 2 साल काफ़ी स्ट्रगल किया है हमने इस डिजीज़ के साथ। कोविड के पहले की महिलाओं की स्थिति और कोविड के बाद की महिलाओं की स्थिति, चाहे वो सामाजिक स्थिति हो या वो आर्थिक स्थिति हो या शारीरिक स्थिति हो, आप मैं सभी स्थितियों के बारे में बात करेंगे, आप किस तरीके से कंपेयर करेंगी दोनों? मैंने ये देखा है कि जो कोविड से पहले जो स्थिति थी, तो जो डिजिटल रूप जो निखर के आया है कि महिलाएं घर में रहकर भी और घर में रहते हुए भी इनोवेटिव आइडियाज सोशल मीडिया के माध्यम से या यूट्यूब वगैरह के माध्यम से जो खुद का जो कौशल है उसको उन्होंने उभारा है कोविड के बाद में। चलिए, बच्चों के बारे में बात करते हैं। आप ये जो आपने डिजिटल वर्ल्ड की बात की, डिजिटलाइजेशन जो हुआ है अभी हमारा, इसके लिए आप क्या मानते हैं कि बच्चों पे इसका प्रभाव नकारात्मक पड़ा है या सकारात्मक पड़ा है? इनफैक्ट अबाउट एजुकेशन ऑल्सो अगर हम बात करें। मैम, इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव देखे जाते हैं। ज्यादा किस पक्ष की तरफ हैं आप? मैं ज्यादा और कम के बारे में बात करूं, मैं अगर मैं क्लास 1 से क्लास 10 तक के बच्चों की बात करूं, तो आप क्या मानते हैं कि ज्यादा प्रभाव किस पर किस तरफ, मतलब नेगेटिव पड़ा है या पॉजिटिव पड़ा? मैम, अगर हम 10th तक के बच्चों की बात करें तो मैं समझती हूं कि शायद इसके नकारात्मक प्रभाव ज्यादा होंगे, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं 10th तक के बच्चे हैं, तो वो मुझे लगता है कि शिक्षक के पास में रहकर बेहतर तरीके से उनके व्यक्तित्व का विकास भी बेहतर। आपसे लास्ट सवाल जी मैम, 1st to 5th, 5th to 10th, 6th to 10th और 10th to 12th जी मैम, इस तरह से हम 3 सेक्शंस देखते हैं टीचर्स के जी मैम, है ना? हाँ, PRT, PGT, PGT, तीनों में कोई एक गुण बताइए जो कॉमन होता है, होना चाहिए, और कोई एक गुण जो तीनों के स्तर के उम्र के स्तर के हिसाब से अलग अलग होना चाहिए। मैम, तीनों में कॉमन गुण ये होना चाहिए कि उनको अपने विषय का ज्ञान होना चाहिए, वेरी नाइस, और उनको अच्छा श्रोता होना चाहिए, और बच्चों की जो भावनाएं हैं उनका उनमें जिज्ञासा की प्रवृत्ति वो पैदा करें। ऐसा अब आप मुझे एक ऐसा गुण बताइए जो तीनों में उम्र के स्तर के हिसाब से अलग अलग होना चाहिए। जैसे कि जो प्राइमरी टीचर है उनको एक तो मातृभाषा में उनको ज्ञान देना बच्चों को, साथ में उनसे भावनात्मक लगाव रखना ज्यादा। PGT के बारे में, PGT जो टीचर है उनको मेरे को लगता है कि दैनिक जीवन से संबंधित जो चीजें हैं उनसे जोड़कर उनको रिलेट करके पढ़ाना। PGT में ये है कि मैम उनको जो विषय है उसकी स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना ज्यादा जरूरी। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। नीमा, आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो? जी सर। आज का पढ़ा हुआ है सर? आज का, कल का, परसों का? हाँ। ये बिपोर जॉय का जो संकट अभी आया है जी सर, उसका मूल कारण क्या है? सर, ये बिपोर जॉय की जो उत्पत्ति है वो अरब सागर में हुई है। तो सर, मुख्यतः ये देखा जाता था कि आज तक जो अरब सागर में जितने भी चक्रवात उत्पन्न हुए थे उनका प्रभाव मुख्यतः 3 से 4 दिन रहता था, लेकिन सर जो अरब सागर में जो टेम्परेचर बढ़ गया है उस वजह से सर जो ये विप्र जो है इसमें लगातार जो उष्मा का संघनन हो रहा है, इस वजह से इसको ह्यूमिडिटी मिलती जा रही है, तो इस ये तो, जो है इसका रूप, ये जो विप्र जो है उसका राजस्थान के कौन कौन सा क्षेत्र है वो प्रभावित हो रहा है? सर, इसको अलग अलग उसमें बांटा गया है, जो रेड अलर्ट जोन घोषित किया गया है उसमें सर मुख्यतः बाड़मेर, जालोर, पाली जिले का क्षेत्र है। उसके अलावा सर ऑरेंज अलर्ट है, उसमें जोधपुर और उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर वाला क्षेत्र है, और सर येलो अलर्ट में जयपुर, अजमेर और ये सीकर, ये वाला। तो ये बाकी का जो है भरतपुर और ये जो पूर्वोत्तर के जिले हैं वो प्रभावित नहीं हो रहे हैं, क्या आपका ऐसा मानना है? ऐसा है कि नहीं हो रहे प्रभावित, तो क्यों नहीं हो रही, क्या वजह है ऐसे? सर, कम प्रभावित हो रहे हैं मुख्यतः सर, ये अरब सागर से इसकी उत्पत्ति हुई है, तो सर भौगोलिक कारण है अरावली का इसमें रोल। ठीक है, और बताओ। और सर, और कोई कारण अरावली है तो वो सर, बहुत अच्छा का भी रोल हो सकता है, इसकी जो दिशा है वो
पाकिस्तान की तरफ होते हुए। कल आपने जब अखबार खोला और उसको बंद कर दिया तो कौन सी खबर ने आपका ध्यान आकृष्ट किया था? सर विप्रो जो नहीं था। उसका ही किया था। इसके अलावा सर इसके महिलाओं के संदर्भ में एजुकेशन के संबंध में कोई ऐसी खबर नहीं थी? सर महिलाओं के संदर्भ में सर अभी जो ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ जो चल रहा है मामला यौन हिंसा का सर, तो क्या वो निर्णायक स्थिति में पहुंच गया है या अभी तक विवादास्पद ही है? सर आज की न्यूज में है कि उनको चार्जशीट पेश कर दी गई। निर्णायक स्थिति में आया कि नहीं आया? सर अभी तक तो निर्णायक स्थिति उसकी जब इसकी जांच होगी और इसका जो फाइनल डिसीजन जब आएगा तब हम कहेंगे कि निर्णायक स्थिति में। ओके।